कंपटीशन बहुत टफ था और फाइनल्स में जाने वाले नामों पे फैसला लिया जा चुका है। तो थर्ड पोजीशन पे है युक्ति। Position goes to Bhavika. And now last but not the least. Any guesses? Santoshi. Aur aaj ki winner hai संतोष शर्मा। अरे जीत गया, अरे जीत दोस्त बनकर बहुत अच्छा साथ दिया आपने हमारा मैडम सर। दरअसल बात यह है कि आप चाहती नहीं थी कि हम ये केस सॉल्व करें। पुष्पा जी, सोनाली को अरेस्ट करिए। यस मैडम सर। दोस्त समझा, इसलिए सिर्फ रोकना चाहा। नहीं नहीं नहीं, ये सही नहीं मिलेगी। पुष्पा जी सुनिए तो, बोलिए डियर रिस्पेक्टेड पूजनीय सम्माननीय मैडम सर, सादर प्रणाम। सामने नहीं कह सकते, इसलिए इस पत्र के माध्यम से अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं। जैसे मेघ पवन की दिशा देख पछताता है, जैसे केश चमन की चमक देख पछताता है, वैसे ही हम भी अपने किए पर पछता रहे हैं। नीर नियत चरणों में आपके निरंतर भा रहे हैं। वाह, आपके साथ जो किया बहुत दुख है, उस बात का बहुत लज्जित है। चेहरे से पता नहीं चलेगा क्योंकि हमारे चेहरे पर हमेशा एक ही भाव रहता है, जैसे घर पर गैस खुली छोड़ आए हो।
पर हैं हम बहुत लज्जित, हो सके तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। आपकी आज्ञाकारी, प्राण प्यारी, प्रेम दुलारी, पुष्प क्यारी, लज्जा की मारी करिश्मा सिंह। वो कंट्रोल रूम का फोन भी बज रहा है। नहीं, पूछने का जरूरत तो नहीं है, क्योंकि राइटिंग का ओवरफ्लो बता रहा है कि डायलॉग का सुनामी कहां से आया है। जैसे ओवर एक्टिंग का आपका सैलाब आता है, वैसे आपने एक खत लिख दिया है पुष्पा जी। नहीं, लेकिन सवाल यह है कि आपने ये क्यों लिखा है? तो अब क्या करें? आप तो माफी मांगने से रहे मैडम सर से, तो हम ही को कुछ करना पड़ेगा ना। हम माफी मांगे मैडम सर से? हम क्यों माफी मांगे? काहे मांगे? मतलब मैडम सर पर गन तानने से पहले तो कुछ सोचा नहीं, और अब पूछ रही है, हम काहे मांगे माफी? अच्छा, तो उन्होंने नहीं ताना गन, उनका गलती नहीं है, उन्होंने सोचा एक सेकंड के लिए भी हमारे ऊपर गन तानने से पहले, उनको नहीं मांगना चाहिए माफी। माफी दोनों तरफ से मांगी जाए ना, तो ही माफी कहलाती है। हम अकेले माफी नहीं मांगेंगे। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद पुष्पा जी। माफी गलती की दी जाती है, इंटेंशन की नहीं। करिश्मा सिंह, हम आज तक समझते थे कि आप जो कुछ भी करती हैं वो आपको जुनून है, आप हैं ही ऐसी, आपसे हो जाता है, गुस्सेल हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, इसलिए हम आपकी छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज कर देते थे, माफ कर देते थे। हमें लगता था कि हमारी सोच भले ही अलग हो, तौर तरीके भले ही अलग हो, लेकिन एज अ टीम हम कमाल के हैं। पर अब हमें ऐसा नहीं लगता, अब नहीं लगता हमें कि हम दोबारा कभी टीम बन सकते हैं। इसलिए माफी तो बहुत दूर की बात है पुष्पा जी, ये मामला उससे कई गुना ज्यादा आगे बढ़ चुका है। जैन मैडम सर, मैडम सर हेडक्वार्टर से मैसेज आया है, आनंदपुरी एरिया में एक आदमी ने कुछ बच्चों को होस्टेज बना लिया है, फौरन वहां पहुंचने का ऑर्डर आया है। ओके, एक काम करो, तुम कहां जा रही हैं? अभी आपने ही तो कहा कि हमारा एक टीम में काम करना ठीक नहीं होगा, तो फिर आप अपने तरीका से निपटाइए, हम अपने तरीका से केस निपटाएंगे, आपको सीधा स्पॉट में मिलेंगे। चल संतु। हाँ? चलो। चीता कहाँ है? वो उसके गांव से फोन आया था, उसके पिताजी की तबीयत अचानक खराब हो गई तो उसे जाना पड़ा। अच्छा ठीक है, आप यहाँ थाना संभालिए, अगर हमें किसी भी चीज की अर्जेंटली जरूरत हुई तो हम आपको बताएंगे। यस मैडम सर। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.